हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय लाइफ विद कुकिंग। आज हम देखेंगे चिकन अड़नी रस्सा रेसिपी। ये शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। मैंने 1 किलो चिकन लिया है जिसे मैंने नमक और हल्दी से मैरिनेट किया है। 2 बड़े प्याज मैंने बारीक कट करके लिए है। हरा धनिया लगेगा हमें। 1 कोकोनट लिया है मैंने। जिंजर और गार्लिक लगेगी। हरा धनिया, कोकोनट, जिंजर और गार्लिक की हमें मिक्सी में पेस्ट बनानी है। ये देखिए, इस तरह से हमें इसकी स्मूथ पेस्ट बनानी है। कुकर में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। प्याज का कलर ब्राउन होने तक हमें इसे कुक करना है। ये देखिए, ये प्याज अब हल्का सा ब्राउन होने लगा है। अब हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने इलायची ली है, लौंग लगेगी, काली मिरी ली है और एक स्टार फूल लिया है। ये मसाले अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए प्याज के साथ कुक करेंगे। ये देखिए, ये प्याज अब अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें कोकोनट की पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। तीन से चार मिनट के बाद हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फिर से इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। चिकन को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। इसमें मैंने 3 से 4 बॉल पानी ऐड किया है। गर्म पानी ऐड करने के बाद हम इसे फिर से बार अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर इसकी 1 या 2 सीटी करेंगे। कुकर पूरी तरह से ठंडा होने के बाद हम इसका ढक्कन निकालेंगे और ये देखिए, ये हमारा चिकन अड़नी रस्सा तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।